देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक ने घोषणा की है कि वो अपने कई डेबिट कार्ड को 31 दिसंबर को बंद कर देगा। ऐसे में ग्राहकों को अपने कार्ड को बदलवाने के लिए तत्काल बैंक में जाना चाहिए। अगर आपका कार्ड नहीं बदलवाया तो अपना सभी तरह से बैंक लेन देन बंद हो जाएगा। SBI ने कहा कि वो फिलहाल अपने मैग्नेटिक स्ट्राइप डेबिट कार्ड को बंद करने जा रहे हैं। वहीं 1 जनवरी 2020 से कवर EMV चिप और पिन वाले कार्ड ही ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश से ऐसा करना जरूरी है। RBI के आदेश के मुताबिक सभी बैंकों को अपने मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले डेबिट कार्ड का इस्तेमाल इस साल के अंत तक पूरी तरह से बंद करना है। फ्रॉड से बचने के लिए बैंकों को RBI ने ऐसा करने के निर्देश पहले मिल चुके हैं। ज़्यादातर नए ग्राहकों को EMV चिप वाला डेबिट कार्ड ही दिया जा रहा है। जिन ग्राहकों के पास मैग्नेटिक स्ट्राइप वाला डेबिट कार्ड है, उससे ग्राहक 31 दिसंबर के बाद पैसा नहीं निकाल पाएंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।